संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। ए नेटवर्क की परिणामी धारिता तथा बी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। दस माइक्रोफेरेड का पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1, दूसरा संधारित्र C2 जिसकी धारिता 10 माइक्रोफेरेड, तीसरा संधारित्र C3 जिसकी धारिता 10 माइक्रोफेरेड और ये चौथा संधारित्र C4 उसकी भी धारिता 10 माइक्रोफेरेड, इनको आपस में 500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3, इस पर आवेश Q4। C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिणामी धारिता C' 1/C' बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 3/10, इसलिए C' बराबर 10/3 माइक्रोफेरेड। C' व C4 समानांतर क्रम में है, इसलिए परिणामी धारिता C बराबर C' प्लस C4, C' का मान 10/3 धन 10 बराबर 3, तो C बराबर 40/3 माइक्रोफेरेड। तो परिणामी धारिता का मान 40/3 माइक्रोफेरेड या 13.33 माइक्रोफेरेड होगा। इसी प्रकार C4 पर आवेश Q4 बराबर C4 इंटू वी, Q4 बराबर C4 का मान 10 माइक्रोफेरेड, V का मान 500 V, तो 10 × 10⁶ फेरेड गुणित 500। बराबर 5 × 10⁶ 6 × 3 2 और 1 3, तो धन 3 हो गया, तो बराबर आ गया 5 × 10⁶ कूलम। तो चौथे पर आवेश निकल गया, परिणामी धारिता निकल गई। अब अपन इन तीनों पर निकालेंगे, तो इन तीनों पर कुल विभव जो होगा वह 500 वोल्ट होगा, पर मतलब हर एक पर विभव क्या होगा अलग अलग होगा। C1, C2, C3 श्रेणी क्रम है में है, इसलिए उन पर आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q', इसलिए विभव V बराबर Q'/C', तो विभव का मान है 500 वोल्ट, Q' का मान हमें निकालना है और C' का मान अपन निकाल चुके हैं 10/3, इसलिए आपका हो जाएगा माइक्रोफेरेड। तो 500 × 10³ × 10⁶ बराबर Q', तो आपका हो जाएगा 5/3 × 10⁶ धन 2 धन 1 बराबर Q', 1.66 × 10⁻³ कूलम बराबर Q' या 1.7 × 10⁻³ कूलम Q', तो इस प्रकार से देखिए इन तीनों पर समान आवेश होगा, जिसका कि मान हम निकाल चुके 1.7 × 10⁻³ कूलम। संलग्न चित्र में ए व बी के बीच परिणामी धारिता
ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र हैं जिस पर प्रत्येक पर 3 माइक्रोफेरड हैं, ए और बी के बीच हमारे को परिणामी धारिता निकालनी है, तो हम इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ बनाने के लिए इस जंक्शन पॉइंट को हम सी और डी नाम देंगे। तो देखिए आप ए से सी के बीच में 3 माइक्रोफेरड, फिर आप देखिए सी से डी 3 माइक्रोफेरड है, फिर ये जो डी पॉइंट है फिर वापस जाके ए से मिला है। देखिए आप वैसे ही सी से दूसरा पॉइंट चला है जो किससे मिला हुआ है, बी से मिला है, डी और बी के बीच में फिर 3 माइक्रोफेरड है। तो इस प्रकार से देखिए तीनों संधारित्र 3 माइक्रोफेरड के संधारित्र समानांतर क्रम में हैं। इसलिए परिणामी धारिता सी बराबर C1 + C2 + C3 बराबर 3 माइक्रोफेरड + 3 माइक्रोफेरड + 3 माइक्रोफेरड, तो सी बराबर 9 माइक्रोफेरड। तो इस प्रकार से तीनों 3 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्र समानांतर क्रम में हैं, इसलिए परिणामी धारिता इनका योगफल होगी। संलग्न चित्र में ए व सी के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। हमें ए और सी के बीच में धारिता ज्ञात करनी है। ये सभी 5 माइक्रोफेरड के हैं, ये बीच वाला 10 माइक्रोफेरड का है, बी और सी के बीच में भी 5 माइक्रोफेरड है। हम फिर इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे। देखिए ए से 2 संधारित्र निकले हैं, एक बी की तरफ जा रहा है जिसका मान हमने C1 दे दिया 5 माइक्रोफेरड, फिर ए से डी भी दूसरा संधारित्र जा रहा है जिसको हमने 5 माइक्रोफेरड नाम दे दिया, और ये बी से डी में आप देख रहे हैं 10 माइक्रोफेरड का संधारित्र आ गया जिसको हमने C5 नाम दे दिया है, और फिर बी से सी में 5 माइक्रोफेरड आ रहा है, फिर डी से सी में भी 5 माइक्रोफेरड आ रहा है जिसको हमने C4 नाम दिया। तो इस प्रकार से देखिए कि C1 / C2 = C3 / C4, ये जो बीच का भाग है इसके दोनों तरफ जो संधारित्र हैं C1 / C2 / C3 / C4 का अनुपात बराबर है, 1/1 है, 5/5 करेंगे तो 1:1 हो गया। अतः सेतु संतुलित है, वह 10 माइक्रोफेरड संधारित्र का कोई अर्थ नहीं है। C1 व C3 दोनों श्रेणी में हैं, इसलिए परिणामी C' = C1 × C3 / C1 + C3 5 × 5 / 5 + 5 तो 25/10, तो C' = 2.5 माइक्रोफेरड। उसी प्रकार देखिए C2 व C4 दोनों श्रेणी में हैं, इसलिए परिणामी C" = C2 × C4 / C2 + C4 फिर आपका हो जाएगा 5 × 5/5 + 5 तो 25/10, तो ये भी आपका आ जाएगा 2.5 माइक्रोफेरड। अब देखिए C' व C" ए के बीच में ये C' आ गया और ये आपका C" आ गया। C' व C" समानांतर में हैं, समानांतर क्रम में, इसलिए परिणामी C = C' + C" = 2.5 + 2.5 तो C = 5 माइक्रोफेरड।
तो इस प्रकार से देखिए, इनके बीच में हमने सी डैश लगाया, इसका सी डबल डैश हुआ, दोनों समानांतर क्रम में हैं। समानांतर क्रम का परिणामी जो होता है दोनों का योगफल होता है, तो हमने इसको जोड़ दिया, 2.5 प्लस 2.5 ये आपका हो गया 5 माइक्रोफेरेड। इसको इस सूत्र से भी बना सकते हैं, या तो आप इस प्रकार का सूत्र लगा दीजिए, 1 अपॉन C डैश इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3 भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप 1 अपॉन C डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस C4 लगा सकते हैं, पर फाइनल आंसर यही आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ए व बी के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा वे एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। इस प्रकार से प्लेटें हैं, इसमें हमारे को ए व बी के बीच परिणामी धारिता निकालनी है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और दूरी डी है। प्लेटें इस प्रकार से हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, पर हम हमारी सुविधा के लिए इन प्लेटों पर बाहर के हिस्से को नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस प्रकार से हम ये 8 प्लेटें बना देंगे। ये 8 प्लेटें बन गई। अब आप देखिए, पहली और दूसरी जुड़ी हुई है, तीसरी चौथी जुड़ी हुई है, पांचवी छठवीं जुड़ी हुई है, सातवीं आठवीं जुड़ी हुई है। अब पहली दूसरी और पांचवी छठी का ए पॉइंट है, ये पहली दूसरी और पांचवी छठवीं का पॉइंट ए है, तीसरी चौथी और सातवीं आठवीं का पॉइंट बी है। तो हमने ए इस प्रकार से ले लिया। देखो, ये आखिरी प्लेट कोई संधारित्र नहीं बना रही है, ये भी प्लेट कोई संधारित्र नहीं बना रही, तो हमने 2 और 3 ले लिया। 3 के साथ ये चौथी प्लेट है, ये इससे जुड़ी हुई है। 4 के सामने में 5 नंबर की प्लेट है, ये इससे जुड़ी हुई है। 5 के सामने में 6 नंबर की प्लेट है, वो इससे जुड़ी हुई है, और ये सभी पॉइंट ए पर हैं। वैसे यहाँ पर 7 नंबर की है, 7 नंबर की बी से जुड़ी हुई है। इस तरह यह संयोजन भी समानांतर क्रम का है। माना कि प्रत्येक की धारिता सी है, तो परिणामी C+C+C=3C। समानांतर प्लेट के लिए आपके पास सूत्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, C=ε0A/D, इसलिए हो जाएगा 3ε0A/ परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए व उनके बीच की दूरी डी है। ये हमारे पास समानांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल ए और दोनों के बीच की दूरी डी है। इसमें हमने आधे भाग में K1 पारविद्युतीय पदार्थ और आधे भाग में K2 वाला पदार्थ रख दिया है। हमको ए और बी के बीच धारिता निकालनी है, तो यह दो संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन, क्योंकि दोनों की प्लेटें एक ही जगह पर हैं, तो पहले की धारिता C1 आप पढ़े हैं, K1 ε0A/D। अब चूंकि हमने इसको आधा कर दिया, तो दूरी तो d रही पर क्षेत्रफल आधा हो गया, तो इसलिए हो जाएगा K1 ε0A/ दूसरे संधारित्र की धारिता C2 K2 ε0A/2/D। A/2 क्यों कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आधा हो गया, प्लेटें आधी आधी हो गई, तो आपका हो जाएगा K2 ε0A/ परिणामी धारिता
सी बराबर सी वन प्लस, तो के वन प्लस के टू एप्सिलॉन ए बटे, तो सी बराबर एप्सिलॉन ए बटे डी बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा के वन बटे दो धन के टू बटे दो, या सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी के वन प्लस के टू अपॉन। अब देखिए प्लेटें तो वही हैं, क्षेत्रफल भी वही है, पर हम माध्यम इस प्रकार से रख रहे हैं के वन और ऐसा के टू रख रहे हैं, आधे हिस्से में के वन और आधे हिस्से में के टू, या दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है, पहले की धारिता C1 बराबर K1 एप्सिलॉन A बटे, दूरी हो जाएगी D बाई टू, तो 2K1 एप्सिलॉन A बटे D। इसी तरह दूसरे की धारिता C2 बराबर K2 एप्सिलॉन A बटे D बाई टू, या 2K2 एप्सिलॉन A बटे, परिणामी धारिता एक बटे सी बराबर एक बटे सी वन बटे एक बटे सी टू, तो एक बटे सी बराबर वन अपान टू के वन एप्सिलॉन ए बटे डी प्लस वन अपान टू के टू एप्सिलॉन ए बटे, तो वन अपान सी डी अपान टू के वन एप्सिलॉन ए बटे डी अपान टू के टू एप्सिलॉन ए, तो वन अपान सी इक्वल टू डू टू एप्सिलॉन ए वन अपान के वन प्लस वन अपान के टू, या वन अपान सी इक्वल टू डी अपान टू एप्सिलॉन ए, लघुत्तम हो जाएगा के वन इंटू के टू बटे के टू प्लस के वन, उल्टा कर दें सी इक्वल टू टू एप्सिलॉन ए के वन इंटू के टू बटे डी इंटू के वन प्लस के टू। 900 पीको फेराड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया गया है। ए, संधारित्र में संचित कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी है? बी, इस संधारित्र को बैटरी से अलग करके किसी अन्य 900 पीको फेराड के संधारित्र से संयोजित किया गया है। निकाय द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी है? एक संधारित्र जिसकी धारिता 900 पीको फेराड है, इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं। सर जल्दी ठीक है, तो दिया है धारिता C बराबर 900 पीको फेराड, 900 गुणित 10 की घात ऋण 12, विभव V बराबर 100 वोल्ट, ऊर्जा U बराबर ज्ञात करनी है, तो आप सभी जानते हैं U बराबर 1 बटे 2 CV का वर्ग, वन अपान टू C का मान 900 गुणित 10 की घात ऋण 12, V का मान 100 का वर्ग, ऊर्जा U इसकी निकालनी थी, तो आपका हो जाएगा 9 अपान टू इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा 10 की घात 2 तो हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल, तो ऊर्जा हो गई। अब आवेश निकालना है, संधारित्र पर आवेश भी चाहिए, संधारित्र पर आवेश भी चाहिए, तो आवेश Q बराबर C इंटू V, C का मान आपने निकाला है 9 गुणित 900 गुणित 10 की घात ऋण 12, V का मान 100, इसलिए Q बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 प्लस 2 प्लस 2, तो Q बराबर 9 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलम। अब इस बैटरी को हटा करके हम इसके बदले दूसरा 100 पीको फेराड का चार्ज लगा देते, अतः स्थिति ए से बी में जाने पर यद्यपि आवेश की हानि नहीं होती है, तथापि अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की
आधी हो जाती है। चूंकि निकाय को स्थिति बी तक व्यवस्थित होने में समय लगता है, इस स्थिति में पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र में एक अस्थायी विद्युत धारा बहती है। इस अवधि में उष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है।